वेलकम फ्रेंड, आज का टॉपिक है भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या। तो आइए देखते हैं भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 43 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है। कर्नाटक में 28 है। गुजरात में 26 है और राजस्थान में 25 है। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। ओडिशा में 21 है। केरल में 20 है। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। असम राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के सीटों की संख्या 11 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। भारत के उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या 2 है। गोवा में 2 है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मेघालय में लोकसभा के सीटों की संख्या 2 है। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड में लोकसभा के सीटों की संख्या 1 है और सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। जम्मू और कश्मीर में 5 सीटें हैं। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। अंडमान और निकोबार में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और पुदुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।